हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शंकु परिच्छेद कोनिक सेक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले वृत्त से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। कोनिक सेक्शन में सबसे पहला जो पार्ट है वो है सर्किल। तो हम सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम वृत्त के बारे में देखते हैं कि इसमें एक केंद्र है और इसको हम त्रिज्या बोलते हैं, और केंद्र के कोऑर्डिनेट जनरली हम एच के लेके चलते हैं, और यहाँ पर जो एक जनरल पॉइंट लेके चलते हैं पी, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई लेके चलते हैं। तो वृत्त के बाह्य बिंदु, वृत्त की सतह पर जो बिंदु स्थित है उससे केंद्र के बीच की दूरी का सूत्र कौन सा लगेगा? यह वाला सूत्र है, और इसको हम वृत्त का समीकरण कहते हैं। क्लियर? तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा? यह वाला फॉर्मूला है, इसमें एच के क्या है आपके, वृत्त का केंद्र है, और एक्स वाई जो है वृत्त की परिधि पर जो जनरल पॉइंट है पी, उसके कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई से हमने व्यक्त किया है, और आर क्या है यहां पर, त्रिज्या है। ठीक है, तो इस सूत्र का हम यूज करेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 11.1। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, तो हमने देखा वृत्त का समीकरण, का आपको फार्मूला बताया था x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, यह हमने आपको फार्मूला बताया था। तो यहां पर एच के क्या दिया हुआ है, 0, 2, और r कितना दिया है, 2। तो इसको मान को पुट कर दीजिए, तो वृत्त का समीकरण होगा, क्या हो जाएगा, मान पुट कर दोगे तो x माइनस एच कितना है, 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और r कितना दिया, 2, तो ये हो जाएगा 4। तो ये आपका वृत्त का समीकरण हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमको इसमें वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हम यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या लिखा है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल 6 स्क्वायर। तो आप इससे तुलना करिए, किससे तुलना करने पर, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, दोनों समीकरणों की तुलना करने पर। h इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां पर, माइनस 5, k इक्वल टू 3, r इक्वल टू 6। तो त्रिज्या क्या हो गई आपकी, r इक्वल टू 6, और केंद्र का क्या है कोऑर्डिनेट्स, एच के। तो यहां पर एच का मान कितना है, माइनस 5, और के कितना है, 3। तो ये आपके आंसर हो गए। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिंदुओं 4, 1 और 6, 5 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा इस पर स्थित है। तो हमको पता है वृत्त का समीकरण का सूत्र क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो चूंकि यह बिंदु 4, 1 से जाता है और 6, 5 से, चूंकि यह वृत्त 4, 1 तथा 6, 5 से जाता है, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई के स्थान पर ये कोऑर्डिनेट रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1, 6, 5 से जाता है तो क्या हो जाएगा,
सिक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस यहां पर आप इसको वन माइनस के इसको कर लीजिए, यहां क्या हो जाएगा फाइव माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर टू। चूंकि यह बिंदु एच के जो केंद्र है, केंद्र एच के रेखा 4x प्लस y इक्वल 16 पर स्थित है तो क्या होगा 4h प्लस k इक्वल 16। ये समीकरण नंबर तीन। हम इन तीनों को समीकरणों को हल करके एच के का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो आप करने की कोशिश करो तो एक और दो से देखिए जरा, एक तथा दो से क्या हो जाएगा 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर है तो यहां कितना 6 माइनस एच का होल स्क्वायर 5 माइनस के का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए कितना हो गया 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8 एच प्लस यहां क्या लिखा होगा साथ में 1 माइनस तो जो हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल 6 स्क्वायर 36 माइनस प्लस एच स्क्वायर माइनस 12 एच 5 के 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10 के। तो हम यहां देखते हैं कि एच स्क्वायर और के स्क्वायर कैंसल हो गए, ठीक है। और यहां पर देखते हैं ये कितना लिखा हुआ है माइनस 12 एच और माइनस 8 एच, तो 12 एच को यहां लाओगे तो यहां बचेगा 4 एच और यहां कितना है माइनस 2 के और ये कितना माइनस 10 के, तो 10 के को इस तरफ लाओगे तो यहां बचेगा 8 के, ठीक है। और यहां कितना है 16 कांस्टेंट और यहां पर कितना है 16 को यहां ले जाएंगे तो बचेगा 15 बचेगा, ठीक है। तो आदि हम एक समीकरण नंबर फोर्थ। तो समीकरण थर्ड में यदि हम ये देखिए आप समीकरण थर्ड 4h प्लस k इक्वल 16 ठीक है। तो हम यहां देखते हैं इन दोनों को ये समीकरण नंबर कौन सा है थर्ड, इनको घटाते हैं तो माइनस 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 तो ये कैंसिल हो गया तो यहां बचेगा 7 के इक्वल माइनस 1 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा के इक्वल टू माइनस 7। के इक्वल टू कितना आ गया माइनस 7 आ गया। अब के की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए समीकरण थर्ड में तीन से कितना हो जाएगा 4h माइनस 7 इक्वल टू 16 तो 4h कितना हो जाएगा आप इसको जोड़ेंगे 23 तो h इक्वल टू आपका 23 अपॉन 4 तो आपका केंद्र क्या हो जाएगा आपका 23 अपॉन 4 और k की वैल्यू माइनस 7 ये आपका केंद्र हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है केंद्र और इसमें हम इस समीकरण में एच के मान रख देंगे तो r का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें आप यहां देखिए समीकरण 1 में h का मान रख दो और k का मान रख दो तो आपको क्या मिल जाएगा r का मान मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करके r का मान ज्ञात कर लीजिए और इसी तरह से सारे क्वेश्चन करके देखिए। ओके थैंक यू।